पर्यावरण दिवस पर सोलन शहरवासियों ने जताई चिंता, कहा अगर इसी तरह शहर में कंक्रीट के जंगल खड़े होते गए तो पर्यावरण विकास की बलि चढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि करीबन 3 दशक पहले सोलन हरा भरा होता था, चारों तरफ हरियाली होती थी, शहर में सेब के बगीचे होते थे, फ्रिज और पंखों की जरूरत महसूस नहीं होती थी, लेकिन आज के समय में फ्रिज पंखों के साथ साथ इसकी भी जरूरत पड़ने लग गई है। इसलिए हमें जागरूक होने की आवश्यकता है और पर्यावरण को संजोने की जरूरत है। अगर आज भी हम जागरूक नहीं होंगे तो फसलें बर्बाद हो जाएंगी, जैसे सेब के बगीचे सोलन से लुप्त हो गए हैं, पर्यावरण के बदलाव से उन वनस्पतियों की किस्में भी लुप्त हो सकती हैं। चिंता जाहिर करते हुए शहरवासियों ने बताया कि सोलन चंडीगढ़ के बेहद पास है, इसलिए हर व्यक्ति यहां बसना चाहता है, जिसकी वजह से यहां की हरियाली खत्म होती जा रही है और कंक्रीट के जंगल, जिसे हम अपना आशियाना कहते हैं, वे खड़े होते जा रहे हैं। पेड़ों की लगातार कटाई की जा रही है ताकि पत्थर सीमेंट के जंगल खड़े हो सके। उन्होंने कहा कि पहले सोलन में देवदार के पेड़ लगा करते थे, लेकिन अब सोलन में ये पेड़ लग पाएंगे इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारा कर्तव्य है कि आने वाली पीढ़ी को अच्छा साफ सुथरा पर्यावरण नहीं देकर जाएंगे तो वे हमें कभी भी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि आज मानव मानव का दुश्मन तो है ही, लेकिन पर्यावरण का भी सबसे बड़ा दुश्मन साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ सख्त नियम बनाने चाहिए ताकि प्रकृति से कोई छेड़छाड़ ना हो सके। जब हम छोटे छोटे थे तो बचपन में चारों तरफ हरियाली नज़र आती थी। कभी ऐसा वातावरण भी सोलन था कि देवदार के वृक्ष भी लगते थे। आज उनको लगाने की कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल। अगर आप देखें तो कभी इधर चंबा घाट की तरफ जाएं तो उस सड़क पे बाईं तरफ जो मिलिट्री एरिया है वहाँ पर वो देवदार के वृक्ष बचे हुए हैं। इसलिए बचे हुए हैं कि वो मिलिट्री एरिया है, अगर ना होता तो शायद वहाँ भी एक कंक्रीट का जंगल खड़ा हो जाता। तो ये बात हमें सोचना है कि हम अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य, एक साफ सुथरा वातावरण अगर देकर नहीं जाएंगे तो वो बच्चे, वो आने वाली पीढ़ियाँ हमें कभी माफ नहीं करेंगी। बल्कि इस कोरोना काल में जिस प्रकार का प्रदूषण, जिस प्रकार की नदियां नाले स्वच्छ हो गए हैं, साफ हो गए हैं, इससे ये साफ लगता है पता भी इंसान इंसान का कितना बड़ा दुश्मन है और क्लाइमेट का। 30 वर्ष पूर्व सोलन की जो स्थिति थी वो एक हरे भरे सोलन की थी। जगह जगह पेड़, जगह जगह पौधे, इस तरह की हरियाली जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में सोलन की नगरी में देखने को मिलती थी। अब पूरा सोलन जो है कंक्रीट के उसमें बदल गया है, बिल्डिंग्स के अंदर। तो इसका मुख्य कारण हम लोग ही हैं। हमारी सरकारों ने समय पर कोई भी योजना इस प्रकार से नहीं बन सकी भी हम इस कंक्रीट के जंगलों को बनने से रोका जा सके। सोलन जो कि महत्वपूर्ण नगरी है हिमाचल प्रदेश की, नियर बाय चंडीगढ़, नियर बाय शिमला होने के नाते सभी लोगों ने यहाँ के स्थान को उचित समझा और यहाँ पर जो है धड़ाधड़ बिल्डिंगों का, फ्लैटों का निर्माण होना शुरू हुआ, जिससे पेड़ पौधे तो कटे ही कटे, एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अभी भी मैं आपको और आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूँगा भी सोलन नगरी जो है इतनी कंक्रीट का जंगल बन चुकी है भी, थोड़ी बहुत जगहें भी जो है अब अगर बची हैं जहाँ पर हरियाली और पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उन पेड़ पौधों की भी बलि चढ़ाने का निर्णय लिया गया है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को, जनरेशन्स को जो है पेड़ लगाने की कुछ उन्हें जो है शिक्षा के साथ साथ इसकी और भी जो है एक पाठ जो है इसका पढ़ाना चाहिए, ताकि हम अपने देश को, प्रदेश को और इसको बचा सकें।